हेलो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिस्पर्ट रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व्स इन एल्कली। ओके, तो यहां पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा हिंसबर्ग्स रिएजेंट का। ओके, तो ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये क्या करता है? इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। ओके, तो अभी जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो क्या है? वी हैव दिस, यहाँ पे क्या है? एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सी, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। अभी इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे कोई एमिन का, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? विल गेट दिस। ओके, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एंड वी हैव एन एच सी टू एच फाइव। ओके राइट, तो अभी जब इसका हम रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा राइट। तो यहाँ पे क्या हमारा, जब हमने 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या हमें एक सॉल्युबल प्रोडक्ट मिला है। बट हम जब एक 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे, इफ वी कंसिडर दिस, जहाँ पे यहाँ पे आर डैश है, यहाँ पे आर है, इसका रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, वो क्या एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट ही मिलेगा और टर्शियरी एमाइन के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें देखना है कि कहाँ से हमें 1 डिग्री एमाइन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इस वाले ऑप्शन में हमें 2 डिग्री एमाइन मिल रहा है, यहाँ पे हमें 1 डिग्री एमाइन मिल रहा है और यहाँ पे हमें 3 डिग्री एमाइन मिल रहा है, और इस वाले ऑप्शन में तो एमाइन ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।